एक शहर में कविता अपने पति मनोज के साथ एक सुंदर से घर में रहती थी। एक शाम बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा था और उस दिन मनोज की ऑफिस की छुट्टी भी होती है। मौसम को देखकर कविता का बाहर घूमने जाने का बड़ा ही मन करता है। वो मनोज से बोलती है, मनोज चलो ना बाहर कहीं चलते हैं, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ठीक है चलो, पास में पार्क है वहीं चलते हैं। वो दोनों नजदीक के एक पार्क में चले जाते हैं और वहाँ जाकर ताजी हवा में घूमने लगते हैं। घूमते घूमते काफी समय बीत जाता है और बादल एकदम काले हो जाते हैं। चलो कविता घर चलते हैं, लगता है बारिश होने वाली है। अरे कितना अच्छा लग रहा है, और अब घर जाने की बात कर रहे हो? मुझे नहीं जाना घर, अभी और घूमना है। कविता इतना बोलती है कि एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी से भागकर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश क्यों शुरू हो गई। छत पर रखे मेरे कपड़े भी भीग जाएंगे अब। वो दोनों पार्क से निकल पड़ते हैं और अपने घर की ओर जाते हैं। रास्ते में उनको नीचे एक सुंदर छाता पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे वो देखो छाता, मुझे लगता है कोई अपना छाता यहीं भूल गया है। चलो ना इस छाते को जल्दी उठाओ। नहीं नहीं, हमें ऐसी पड़ी हुई चीजों को कभी नहीं लेना चाहिए। अरे ये छाता ही तो है, अभी बारिश इतनी तेज है और ये छाता ही हमें इस बारिश से बचा सकता है। बाद में जब कभी दोबारा पार्क आएंगे तो इसे यहीं रख देंगे, जिसका भी ये छाता होगा वो ले जाएगा। कविता की बात मानकर मनोज उस छाते को उठा लेता है। छाता उठाते ही उसे अजीब सा महसूस होता है, पर वो ध्यान नहीं देता और दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद कविता छाते को अपने कमरे में रख देती है। हे भगवान, आज तो इस छाते ने हमें बारिश में भीगने से बचा लिया। हाँ सच में तुमने बिल्कुल सही कहा कविता। अच्छा क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? हाँ क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ, और उसके साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी। जैसे ही कविता रसोई की ओर बढ़ती है तो उसे कुछ सुनाई देता है। कविता कविता, मेरे पास आओ कविता। कविता पीछे मुड़ती है और देखती है, पर रसोई में कोई नहीं होता। फिर वो चाय बनाने में लग जाती है कि उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ आओ ना मेरे पास। आओ कविता, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आवाज सुनकर कविता बहुत डर जाती है और पीछे की ओर हटने लगती है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। कौन है मेरे पीछे? कविता ये मैं हूँ, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना डरी क्यों हुई हो? ओह मनोज ये तुम हो, मुझे लगा कि कोई और है। हमारे अलावा यहाँ और कौन मौजूद हो सकता है, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। मुझे बार बार एक आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे मेरा नाम लेकर कोई मुझे पुकार रहा हो, और पता है वो आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कविता, तुम बस आराम करो और मैं चाय अपने हिसाब से बना लूंगा। मनोज कविता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चला जाता है। कविता अपने कमरे में जाकर लेट जाती है कि तभी उसे फिर से वही आवाज आती है। कविता डर कर बैठ जाती है, ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश करती है। आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस छाते से आ रही होती है और वो छाता अपने आप हिल रहा होता है। कविता डर कर कमरे से भागती है। छाता एकदम नीचे गिर पड़ता है और अपने आप खुल जाता है। छाता खुलते ही उसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है। कहाँ गई ये औरत, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और फिर इसके मरने के बाद ही तो इसका पति मेरा हो पाएगा। जब उसने मुझे सड़क से उठाया, मुझे तो तभी उससे प्यार हो गया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसकी बीवी की जान लेकर रहूंगी और हमेशा इसके पति के साथ रहूंगी। उसके बाद चुड़ैल छाता उठाती है और घर के बाहर बारिश में घूमने लगती है। दूसरी ओर रसोई में कविता अपने पति को सारी बात बता रही होती है, पर मनोज को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। कविता अब आप ये सब भूल जाओ और आराम करो। कविता मनोज की बात मानकर फिर से अपने कमरे में जाती है और देखती है कि छाता अपनी जगह पर नहीं है। जैसे ही वो उस छाते को ढूंढने लगती है तो उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और एक भयानक शक्ल की चुड़ैल उसी छाते को लेकर बारिश में घूम रही होती है। कविता तो उस चुड़ैल को देखकर एकदम बर्फ की तरह वहीं जम जाती है। उसके मुंह से चिल्लाने की भी आवाज नहीं निकलती, वो तो बस टकटकी लगाए बाहर देखती रहती है। और एकदम वो चुड़ैल सामने से गायब हो जाती है। कविता को होश आता है कि तभी चुड़ैल उसके पीछे खड़ी होकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। मनोज मनोज ये तुम ही हो ना, मुझे पता है
कि ये तुम ही हो मनोज, प्लीज ऐसे मजाक मत करो। पता है मैंने अभी सामने एक चुड़ैल को उस छाते के साथ बाहर देखा। कविता, कविता! आवाज सुनकर कविता सहम जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो चुड़ैल को देखकर कांप उठती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल अपने छाते की मदद से कविता को अपनी तरफ खींच लेती है। कविता चुड़ैल की ओर खींचती चली आती है। कविता वहां से भागने के लिए चुड़ैल से छाता छीनने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल की जादुई शक्तियों की मदद से चुड़ैल कविता को छाते के साथ ही हवा में लटका देती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे पति से प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारा शरीर लेकर पूरी जिंदगी मनोज के साथ ही बिताऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे और मेरे पति को छोड़ दो, ऐसा मत करो। कविता बार बार जादुई छतरी से छूटने की कोशिश करती है, पर बार बार नाकामयाब हो जाती है और फिर वो मदद के लिए अपने पति मनोज को बुलाती है। कविता की बात सुनकर मनोज रसोई से भागता हुआ कमरे में आता है। वो चुड़ैल को देखकर सहम जाता है और फिर जब वो अपनी बीवी कविता को छाते के साथ हवा में लटका देखता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कविता, कविता! मनोज, मनोज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मनोज, ये चुड़ैल मुझे मारना चाहती है ताकि मेरे शरीर में आकर ये तुम्हारे साथ बीवी बनकर रह सके। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, छोड़ दो मेरी बीवी को। मनोज अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे धक्का देता है। चुड़ैल गुस्से से एकदम लाल आंखें कर लेती है। तुम कविता को छोड़ दो वरना मैं तेरे लिए ये सब कर रही हूँ और तू मुझे ही धक्का दे रहा है। सुन मेरी बात कान खोल कर, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, जब तक ये जिंदा है हम एक साथ नहीं रह सकते। तुझे हासिल करने के लिए मैं इसकी तो क्या सबकी जान ले सकती हूँ। मैं और एक चुड़ैल के साथ रहूंगा? कभी नहीं, इससे अच्छा तो मैं खुद मर जाऊंगा, इसलिए अच्छा होगा तू मेरी बीवी और मुझको छोड़कर अभी के अभी निकल जा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैं तुझे अपना बना कर ही रहूंगी, खबरदार जिस लड़की का नाम दोबारा लिया। मनोज कविता को बचाने के लिए चुड़ैल से लड़ जाता है, पर वो चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना कविता को बचाया जाए। फिर वो कविता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सभी कोशिश नाकामयाब ही रहती है और वो कविता को नहीं पकड़ पाता। ये सब देखकर चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्सा में आ जाती है। तुम इस बेवकूफ लड़की के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो? देखो मनोज, बहुत हो गया, अब मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों की मदद से मनोज को दीवार पर पटक देती है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। मनोज फर्श से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर घूमने लगता है और वो खड़ा ही नहीं हो पाता। देखो मनोज, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें अपनी हरकतों की वजह से इस दर्द से गुजरना पड़ेगा, पर चिंता मत करो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक बार ये लड़की मर जाए तो हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। चुड़ैल कविता को गला दबाने लगती है। कविता की हालत बहुत बुरी हो जाती है। मनोज सब अपनी आंखों के सामने होता देख रहा होता है, पर बेचारा कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। बचाओ मुझे, बचाओ मनोज, अगर मैं मर गई तो तुम कभी इस चुड़ैल के साथ मत रहना। मनोज, मनोज बेबस पड़ा होता है कि तभी उसकी नजर उस छाते पर जाती है। ये छाता इस चुड़ैल का है और ये सब कुछ इस छाते की वजह से ही शुरू हुआ। मुझे इस छाते को तोड़ना होगा। ये चुड़ैल इस छाते के साथ आई है और शायद इसके टूटने के बाद ही मरेगी। मनोज इधर उधर देखता है तो उसे पास में एक लाइटर दिखता है। वो लाइटर उठाता है और छाते के पास जैसे तैसे पहुंचता है। उसके बाद वो छाते में आग लगा देता है। छाते में आग लगते ही चुड़ैल भी जलने लगती है। नहीं नहीं, ये क्या किया तुमने, इस छाते में तो मेरी जान थी और तुमने इसको ही जला डाला। छाता जलकर राख हो जाता है और छाते के साथ वो चुड़ैल भी। कविता भागते हुए मनोज के पास आती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मनोज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर देखो ना तुम्हारे कितना खून बह रहा है। थोड़ी सी चोट है, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो वो चुड़ैल मुझे मार ही डालती। मनोज तुम अब ये सब मत सोचो और इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। इसके बाद कविता और मनोज खुशी खुशी रहने लगते हैं और वो चुड़ैल फिर कभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आती।